की बात करें तो अगर क्वालिटी दिस खाने ऑर्डर करी है लाइट ब्लू ग्रीन इन कलर था। फ्री कंटेंट क्रिएटर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सेट ऑफ जिप्सी फ्लावर्स की। अगर हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिन्नी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। ये जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू द फ्लावर कलेक्शन दैट आई एम हैविंग फ्रॉम द मीशो। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। तो चलिए पहले जो मैंने न्यू मंगाए हैं उनको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। ये है मेरा डालिया फ्लावर्स का एक बंच जो कि मैंने सत्यम क्राफ्ट से ऑर्डर किया है। मुझे कॉस्ट किया है 229 रुपीज। ये 10 बंचेस हैं जो पूरा एक बंच बनाते हैं, विच इज इन अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो ये मैंने पीच कलर में ऑर्डर किया है, बट आप इसे 3 डिफरेंट कलर्स में भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी 10 out of 10 है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ ये कैसे लग रहे हैं। एंड अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपको ऊपर से इसमें जिप्सी का भी टच मिला है, लाइक इसमें छोटे छोटे जिप्सी फ्लावर्स भी अटैच करें। आप चाहें तो इसे पूरे को किसी एक ही वास में डेकोरेट कर सकते हैं या फिर सेपरेट करके किन्हीं 2 वासेस में। मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है, लेट्स जंप इनटू द फाइनल लुक ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं इस वास में डेकोरेट करके ये फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई और वास भी हो आप उसमें भी डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी में डेकोरेट करके दिखा देती हूँ। ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो कि है जिप्सोफोलिया फ्लावर्स। ये सेट ऑफ 5 में मुझे रिसीव हुए हैं मीशो से, विच कॉस्टेड मी 283 रुपीज। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफी ज्यादा नाइस है, आप देख सकते हैं। मुझे ये कॉम्पैक्ट होकर रिसीव हुए हैं। आप चाहें तो इसे स्प्रेड भी कर सकते हैं, किसी भी वेस में अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मैंने अपने चैनल पर इसका शॉर्ट्स अपलोड किया है जिसमें आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगा। क्वालिटी इज 10 out of 10, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। मुझे ये BSMR से रिसीव हुआ है। BSMR से मैंने ऑलरेडी 3 से 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। इसकी क्वालिटी की बात करी जाए विच इज़ इन अ वेरी नाइस क्वालिटी। दिस कम्स इन 3 to 4 different colors। मैंने ब्लू ऑर्डर किया है क्योंकि ब्लू मेरे पास था नहीं। ये मैंने अपने फ्लावर एडिशंस में नया कलर ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं पास से ये कैसा लग रहा है। एंड मैं आपको जंप करवाती हूँ इसके फाइनल लुक में ताकि आप देख पाएं। अब बारी आती है मेरे थर्ड प्रोडक्ट की, तो चलिए जल्दी से हम इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। ये है हैंगिंग वेन जो मैंने ऑर्डर करी है लाइट ब्लू इन कलर। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, दिस इज इन अ वेरी नाइस क्वालिटी एंड ये इस तरीके से हैंग होगी। मैंने इस बार काफी ज्यादा ब्लू कलर अपने उसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और ये आपके उस एरिया को काफी ज्यादा अपलिफ्ट कर देगी। प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 4 वेन्स मुझे सेट में मिली है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये इस तरीके के 4 different sets हैं। एक सेट इंक्लूड्स दिस काइंड ऑफ वेन एंड ये सेट ऑफ 4 में पूरा इतना बंच आ जाता है। ये मुझे कॉस्ट किया है 214 अप्रॉक्सीमेटली। क्वालिटी की बात करूँ तो 7 out of 10 है। मुझे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी है। मुझे इसके फ्लावर्स अच्छे लगे नीचे, बट ये जो ऊपर का क्वालिटी है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आई डोंट नो इसे डेकोरेट करने के बाद कैसे लगेगा, तो मैं जल्दी से इसे अपने घर में डेकोरेट करके आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा दूँगी। एंड कुछ महीने बाद आपको मेरा इसका फाइनल रिव्यू भी मिल जाएगा। अभी मुझे फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फ्लावर्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट अगर मैं ऊपर से इस वाले पार्ट की बात करूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आई डोंट नो ये डेकोरेट होकर कैसा लगेगा। इसे आप ना अपने किसी भी बैकलॉग में इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, विच विल लुक वेरी नाइस। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट इज 7 out of 10। चलिए हम जंप करते हैं इसके फाइनल लुक पर, ये कैसा लग रहा है। अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो कि ये है, तो चलिए हम इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं ये क्या है।
इसका पिक्चर और स्क्रीनशॉट आपको साइड में देखने को मिल ही जाएगा। ओके, तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये मैंने ऑर्डर किया है मंटेस्ट्रा प्लांट, जिसमें कि मुझे सेट ऑफ 12 में मिलता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सेट ऑफ 12 लीव्स हैं। इस तरीके की आपको 12 लीव्स मिलेंगी, जिन्हें आपको अटैच करना है इन स्टिक्स के थ्रू, एंड देन ये कुछ इस तरीके का आपका प्लांट बन जाएगा। तो मैं आपको साइड में इसका एक वीडियो भी अटैच कर देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके का ये प्लांट है, मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे असेंबल करके आपको साइड में दिखा देंगे। पहले हम इसकी क्वालिटी की बात कर देते हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे कॉस्ट किया है 307 रुपीज़। 307 में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बट देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, एंड देन मैं आपको इसे रिव्यू भी कर देती हूँ साथ साथ। बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो चलिए इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये सारे मेरे न्यू कलेक्शन हैं जो कि मैंने अपने प्लांट्स में ऑर्डर करी। तो ये भी मेरा ग्रीन प्लांट्स है, चलिए इसे भी जल्दी से ओपन करते हैं। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है फर्न ग्रास। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने मीशो से रिसेंटली ऑर्डर किया है। पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर साइड में दिख रहा होगा ये लाइट ग्रीन इन कलर था, बट अभी मुझे ये डार्क ग्रीन इन कलर रिसीव हुआ है, विच इज़ इन अ गुड कलर, लाइक कलर ठीक लग रहा है। मुझे वो कलर ज़्यादा पसंद आया था, बट दैट्स नॉट एन इशू। ये मैंने ना अपने जो हेड वाश है ना उसमें रखने के लिए मंगाया है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, अगर मैं इस वाश में इसे कुछ इस तरीके से डेकोरेट करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देख सकते हैं आप इसका लुक कैसा लग रहा है, एंड आपको फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा। ये इसमें नहीं अटैच हो पा रहा है, मंगाया तो मैंने इसी के लिए था, बट दैट्स नॉट एन इशू, मैं इसका कुछ और ऑप्शन देखूंगी। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। इसकी अगर मैं लीव्स की बात करूँ एंड इसकी स्टेम की बात करूँ, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इन अ वेरी गुड क्वालिटी। इसकी क्वालिटी 10 out of 10 है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कॉम्पैक्ट साइज में आपको रिसीव हुआ है, आप चाहें तो इसे स्प्रेड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी हो जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दिस कॉस्टेड मी समहाउ 235 रुपीज़। इसका भी फाइनल प्राइस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, और आपको मैं पास से दिखा देती हूँ ये कैसा लग रहा है। अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। इसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था इसमें मुझे कुछ रिसीव हुआ भी है या फिर मीशो ने मुझे उल्लू बना दिया। तो चलिए जल्दी से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये भी मेरी मोंटेस्ट्रा फ्लावर लीव्स हैं, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए देखा है अपने बैकड्रॉप में। देखिए, ये सेट ऑफ 6 लीव्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है। ये है इसका बैक, एंड ये है इसका फ्रंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी काफ़ी थिन है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सुंदर है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके का लीव लग रहा है। आप देख सकते हैं इतनी लंबी इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कॉस्टेड मी समहाउ 150 to 180 रुपीज़। फाइनल प्राइस आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत अच्छी है। मुझे इसमें 6 डिफरेंट पीसेज रिसीव हुए हैं। आप इसे किसी भी वास में बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप छोटे मोटे रील्स या फिर कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो उसके बैकड्रॉप में आप इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड मैंने भी इसे किसी कंटेंट क्रिएटर को देखकर ही लिया है, तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इस प्राइस में मीशो ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। निराश मैं मीशो से सिर्फ उस ब्लू वाली वेन्स के लिए हुई हूँ, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट बाकी सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं।
तो ये तो थे मेरे सारे वो प्रोडक्ट्स जो कि मैंने न्यूली ऑर्डर किए हैं। ये मेरा न्यूली फ्लावर्स का कलेक्शन था। अब बात करते हैं जो मैंने पहले से भी ऑर्डर किए हुए, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे ही फ्लावर्स के कलेक्शन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेट ऑफ 6 रोजेस हैं। ये मुझे कॉस्ट किए थे समहाउ 180 to 200 रुपीज़, जो कि मैं दिवाली में ऑर्डर किए थे मैंने अपने घर के लिए। इसमें आपको पीच एंड वाइट कलर के रोजेस एंड बीच में इस तरीके का ग्रीन वर्क मिल जाता है। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं पिछले 6 से 7 महीने से इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ। हमने इन्हें वॉश भी किया है एंड हम इनकी धूल भी साफ करते रहते हैं, तो अभी तक इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है, आप पास से देख सकते हैं। एंड अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, दिस इज 9 out of 10, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ था। बट द प्राइस दैट आई पेड फॉर, आई बिलीव मुझे कुछ अच्छा भी मिल सकता था। तो ये था मेरा, इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगी ताकि आपको पिक्चर से एक रेफरेंस मिल जाए। एंड इसमें भी शायद 3 से 4 कलर उस टाइम अवेलेबल थे। अब इसके बाद बारी आती है मेरे नेक्स्ट फ्लावर की। तो आप देख सकते हैं, ये आपने ना मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। ये मैंने अपने वासेज हॉल में भी दिखाया था एंड उससे पहले भी एक वीडियो में दिखाए थे। ये मेरे सेट ऑफ 3 जिप्सी हैं जो मैंने पिंक कलर में आर्टिफिशियल ऑर्डर किए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की लेंथ इसकी है, बट मैंने तो इसे कट कर दिया है। मेरे जो वासेज हैं वो काफ़ी छोटे हैं, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लेंथ इसकी मिलती है। एंड ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में मुझे रिसीव हुए हैं। दिस कॉस्टेड मी समहाउ 250 to 280 रुपीज़, फाइनल आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। ये सेट ऑफ 3 है, काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको रिसीव होते हैं, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसे स्प्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं एंड इसका भी फाइनल लुक आपको आगे देखने को मिल जाएगा। देन बारी आती है मेरे सेकेंड सेट ऑफ जिप्सी फ्लावर्स की। अगर मैं पिंक वाले की बात करूँ तो वो इसके साइज में थोड़े से छोटे थे, ये व्हाइट वाले थोड़े से बड़े हैं। ये भी मुझे सेट ऑफ 3 में रिसीव हुए हैं। दिस कॉस्टेड मी समहाउ 270 to 280 रुपीज़, प्राइस का डिफरेंस है, वो 230 to 240 कॉस्ट किए थे, ये 280 कॉस्ट किए। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये कैसे लग रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। इसकी अगर बात करूँ तो ये साइज में भी उससे बड़े हैं एंड वो ना स्प्रेड होकर इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते जितने ये हो जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह जिप्सी लवर हैं तो आप इन आर्टिफिशियल को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार रियल फ्लावर्स को ऑर्डर करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये आपको बजट में पड़ता है एंड आप इसे ईजिली अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। इसका फाइनल लुक आपको आगे देखने को मिल जाएगा। देन बारी आती है मेरे सेट ऑफ 2 बंचेस रोजेस के। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। एक मेरे को पिंक एंड व्हाइट में मिला है एंड दूसरा मुझे पर्पल एंड उसमें मिला है। ये मेरे सेट ऑफ 2 बंचेस हैं जो मुझे कॉस्ट किए थे अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 रुपीज़। इसका फाइनल प्राइस भी मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगी। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो दिस कम्स इन अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी नाइस क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स डेकोरेट करके अच्छे लगते हैं। मैंने इसे बहुत डेकोरेट किया है दिवाली पर। अगर आप भी अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं, तो आप इन फ्लावर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 10 out of 10 है। रोजेस के 2 बंचेज आपको मिल रहे हैं, एक सिंगल रोज भी 40 रुपीज़ का आता है आज के ज़माने में, अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। इसका फाइनल लुक भी मैं अब आपको आगे दिखा दें। अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ फ्लावर्स की, जो कि है ये सेट ऑफ 5 में मुझे रिसीव हुए थे मीशो से। दिस कॉस्टेड मी समहाउ 240 रुपीज़, जिसमें मुझे ये 5 different ऑर्डर रिसीव हुए थे। देखिए इसमें मुझे मिला है एक पर्पल, एक लाइट पिंक, एक वाइट, एक ब्राइट पिंक एंड एक ग्रीन इन कलर। आपको इसमें सेट ऑफ 5 मिलता है। आप चाहें तो एक सिंगल कलर वाइट भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑल इन पिंक, या फिर मल्टी कलर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी स्टिक्स आपको काफ़ी लंबी मिलती है, बट मेरे वासेस काफ़ी छोटे थे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्हें छोटा कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी कैसी लग रही है पास से। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं जिसमें इनका डिटेल में आपको रिव्यू मिला होगा। मैंने इस टाइम शॉर्ट में रिव्यू दिया है, डिटेल रिव्यू नहीं दिया है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पहले से ऑर्डर है, प्री परचेज है, तो इनका रिव्यूज़ आपको मेरी पुरानी मीशो हॉल्स में मिल जाएगा। मैं सारे ही अपने पुराने मीशो हॉल इसमें अटैच कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए एंड आप मेरे और भी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं।
लिंक्स आपको सभी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी 10/10 है, काफी ज्यादा सुंदर है। ये पेपर काइंड ऑफ क्वालिटी में है, बट इट इज नॉट अ पेपर, इट इज अ क्लॉथ। आप इजीली इसे वॉश कर सकते हैं अपने मशीन वॉश में या फिर हैंड वॉश में। आप चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ के निकाल देते हैं और ये काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं अगर आपके यहाँ भी धूल है। बात बारी आती है मेरे फेवरेट फ्लावर्स की, ये है सेट ऑफ 5 में ट्यूलिप्स। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं, बट ये मीशो पर भी अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेटली 200-350 की कॉस्ट में। मैंने इसे अमेज़न से 499 में ऑर्डर किया था। इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये सेम वेंडर से ही अवेलेबल है, तो क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। मुझे पिंक इन कलर चाहिए था, पिंक मीशो पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया। इसके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मीशो पर अवेलेबल है, अगर आपको उनमें से कोई कलर चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक एंड इसका जो वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने इसे सत्यम क्राफ्ट से ही ऑर्डर किया था और सत्यम क्राफ्ट ही मीशो पर भी इसे डिलीवर कर रहा है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एंड अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में इसे बैक ड्रॉप में ऑलरेडी देख लिया होगा। मुझे ये पर्सनल फेवरेट है, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लावर्स यही वाले हैं। मैं इन्हें सबसे ज़्यादा अपनी वीडियोस में डेकोरेट करती हूँ या फिर अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज़ करती हूँ। क्वालिटी इज 10/20 आप बोल सकते हो, लाइक 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं एंड मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहे हैं। इसके बाद बारी आती है मेरे नेक्स्ट फ्लावर्स की। ये मेरा बीएस अमोर से सेट था फ्लावर्स एंड वास का, ये क्रैकलिंग वास, और ये हमारा पर्सनल फेवरेट है जो हमने अपने दिवाली हॉल में ऑर्डर किया था। पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस कलर के इसमें फ्लावर्स मिलते हैं। दिस कॉस्टेड मी समहाउ 350 या 280, माइट बी 280-350 ही कॉस्ट किया था। आपको स्क्रीनशॉट साइड में देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं। हमने इसे दिवाली पे ऑर्डर किया था और अभी तक हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। आई ऑर्डर्ड मे बी 2-3 पीसेज, एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए और मम्मी और के घर के लिए भी ऑर्डर किया था सेम वास ही। आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। इसमें आपको ऐसे फ्लावर्स मिल जाते हैं जो कि 3-4 डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। इस तरीके का इसमें आपको साइड में डिटेलिंग मिल जाता है ग्रीन कलर के वेन्स का। एंड आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। इसका भी फाइनल लुक अब मैं आपको आके दिखा दे।